तो दोस्तों T20 सीरीज में हारने के बाद अब न्यूजीलैंड की टीम ने वनडे सीरीज से शानदार वापसी की है और पहले ही मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया को 4 विकेट से हरा दिया और 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। और इस बढ़त के साथ ही दोस्तों अब बचे हुए 2 मुकाबलों में से न्यूजीलैंड को 1 मुकाबला जीतना है, वहीं पर टीम इंडिया के लिए हर एक मुकाबला करो या मरो वाला मुकाबला है। तो दोस्तों पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड का शानदार प्रदर्शन रहा जिसके चलते उनकी टीम को ये जीत मिली। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया के कौन से वो 11 खतरनाक खिलाड़ी रहने वाले हैं जो कि दूसरा मुकाबला टीम इंडिया को जिताएगा। तो दोस्तों ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें और साथ ही दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों पहले वनडे मुकाबले की बात करें तो टीम इंडिया की बल्लेबाजी काफ़ी शानदार रही। भारतीय टीम की तरफ से नंबर 4 और 5 के बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, यानी कि केएल राहुल और श्रेयस अय्यर ने। श्रेयस अय्यर ने नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए शानदार शतक लगाया और अपने वनडे कैरियर का यह पहला शतक जमाया। वहीं पर दोस्तों केएल राहुल ने भी शानदार नाबाद फिनिशर की बेहतरीन भूमिका निभाई। वहीं पर दोस्तों इस मुकाबले में भारतीय टीम की गेंदबाजी थोड़ी कमजोर नजर आई, लेकिन दोस्तों पूरी सीरीज में गेंदबाजों ने T20 में बेहतरीन प्रदर्शन किया था और कई मुकाबले भारतीय टीम को जिताए थे। लेकिन ये मुकाबला भारतीय गेंदबाजों के लिए अच्छा नहीं रहा और टीम इंडिया ये मुकाबला गंवा बैठी। लेकिन दोस्तों उम्मीद करते हैं कि दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया के गेंदबाज शानदार गेंदबाजी करेंगे और इस सीरीज में एक बार फिर पलटवार करेंगे। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि इस दूसरे मुकाबले के लिए भारतीय टीम के कौन से वो 11 खिलाड़ी हैं जो उतरने वाले हैं मैदान में और टीम इंडिया को कराएंगे सीरीज में 1-1 की बराबरी। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं ओपनिंग बल्लेबाजों की। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें ओपनर की, तो यहाँ पर उतरने वाले हैं मयंक अग्रवाल और पृथ्वी शो। दोनों बेहतरीन बल्लेबाज हैं इस टीम के। जहाँ पर बात करें दोनों ने पहले मुकाबले में अपने डेब्यू में 50 रनों की साझेदारी की है, लेकिन दोस्तों दूसरे मुकाबले में उम्मीद करेंगे दोनों अपने बल्ले से यहाँ पर शतकीय व अर्धशतकीय पारियाँ जरूर खेलें। इसके बाद दोस्तों नंबर 3 पर विराट कोहली, 4 पर श्रेयस अय्यर और 5 पर केएल राहुल उतरने वाले हैं। तीनों खिलाड़ियों ने पहले वनडे मुकाबले में शानदार अर्धशतक जमाया था। वहीं पर दूसरे मुकाबले में भी उम्मीद रहेगी इनसे। जहां पर श्रेयस अय्यर ने तो अर्धशतक को शतक में तब्दील किया था, वहीं पर केएल राहुल के पास ज़्यादा गेंदें नहीं बची थी वरना वो भी अपना शतक पूरा कर सकते थे। तो ये तीनों यहाँ पर अपना एक बार फिर बेहतरीन पारियाँ खेल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नंबर 6 पर केदार जाधव और 7 पर उतरने वाले हैं रविंद्र जडेजा। ये दोनों बल्लेबाज भी बेहतरीन बल्लेबाजी के साथ साथ एक ऑलराउंडर प्रदर्शन कर सकते हैं। केदार जाधव ने तो बेहतरीन बल्लेबाजी की भी थी अंत में आकर। इसके बाद दोस्तों गेंदबाजों की बात करें तो नंबर 8 पर कुलदीप यादव या फिर युजवेंद्र चहल में से कोई एक, नंबर 9 पर सैनी या ठाकुर में से कोई एक, नंबर 10 पर मोहम्मद शमी और 11 पर जसप्रीत बुमराह उतरने वाले हैं। 2 बदलाव हो सकते हैं इस टीम में, वो है नवदीप सैनी का सरदोल ठाकुर की जगह पर और कुलदीप यादव की जगह पर युजवेंद्र चहल का। तो दोस्तों आपको क्या लगता है क्या क्या बदलाव होने चाहिए टीम इंडिया की स्क्वाड में या फिर इस प्लेइंग 11 में इस दूसरे मुकाबले को जीतने के लिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद दोस्तों।